से कहीं पे होता है मेन रोड 180 दिन बंद रहेगी, मतलब काम भी पूरा नहीं हुआ, सड़क भी बंद रह गई, मटेरियल तो उसके अंदर ही पड़ा हुआ है यार, अभी उतना भी नहीं कर रहे हो कि उसको साफ करा कर रखें। हम लास्ट विजिट पे लास्ट विजिट कब थी? 4 मार्च हाँ दिख गया था, उसके बाद ही आया था हमने, उसके बाद सर हमें 10-15 दिन नाले सफाई में लग गया था, फिर हमने स्टार्ट तो कर लिया था सर, सीजन खत्म होते ही आप लोगों ने 12 मीटर करीब हमने सड़क बंद कौन रखता है, कौन इतना लंबा बंद सर आप वो, और ये अभी एक ही तरफ किया है हमने, उधर भी बंद करोगे अभी, उधर हो गया है सर, उधर हो चुका है, नहीं नहीं उधर नहीं सर, उधर भी तो होगा फिर, हाँ सर ये तो बरसात के बाद और बंद करोगे थोड़ा नहीं, बरसात के बाद टिकअप करेंगे सर, अभी तो चांसेस है नहीं, तो आपने फिर क्राइसिस पैदा कर दिया आपके, और वो भी उधर भी ठीक नहीं किया, इधर भी खोल दिया, अब ये भी बुरा नहीं हुआ है, और अब वाली सड़क भी 6 महीने बंद रखो, मतलब ये सड़क कितने महीने से बंद है, पहले तो ये 27 तारीख से बंद कराया सर हमने, 27 भी नहीं, 2 महीने तो पूरे बंद हो गए ना, 60 डेज तो रोड बंद है हमारी सर, आप 30 ऑलमोस्ट 3 मंथ्स 90 दिन से हमारी सड़क बंद है, देखो सर हमारा टारगेट है करने का, उसके बाद भी कोई काम थोड़ी हो रहा है यहाँ पे अभी, वो क्या रहा है काम ये तो बताइए, और हमने पहले इतना मटेरियल तो उसके अंदर ही पड़ा हुआ है यार, अभी हमने इतना पार्ट छोड़ा था सर, ये फिर हमने कैचमेंट थोड़ी करी है सर, यहाँ पर यहाँ तक ही तोड़ा है उसने, फिर हम इसको 5 जून को सर इसका बेड तैयार कर लिया था, उसके बाद तो लगातार काम चलाया सर, लेकिन थोड़ा सा ये कब बन गया था? ये हमारा सर 15 जून को पहली स्लैब कास्ट हो चुकी थी, उसके बाद सर वो दूसरी काम रोका क्यों इतना लंबा, थोड़ा सर वो ये वाला एक अप्रोच का इशू निकल रहा था, कब सेट हो गया कि सर इसको 30 दिन लगते हैं सर, 28 दिन तो एटलीस्ट, कब पूरा हो गया था काम आपको, तो बहुत पहले पूरा हो गया था ना, ये है सर इसकी टाइमिंग, फिर 5 जून को सर कैचपेट का बैट हमारा कास्ट हो चुका था, पहला स्लैब 15 जून को हो गया था सर, सेकंड स्लैब हमारा 5 जुलाई को कास्ट हो चुका था, ये दो पार्ट में हुआ है सर, जुलाई को सर सेटरिंग का टाइम हो चुका था उसका, एक महीने सर थोड़ा अप्रोच हमें हम लोगों का निर्णय, उधर फिर और 6 महीने बंद कर दिए, यहाँ कितने दिन बंद करा 27 महीने के साथ, 3 महीने 90 डेज, 90 डेज उधर भी बंद रखने, मतलब जब भी करोगे तो उसको भी तो बंद करोगे ना, हाँ सर फिर ट्रैफिक हमारा इधर से हो जाएगा, ये हमारा 8 घंटे सही, तो आप उधर भी 90 दिन लेंगे सर, ये ऐसा कहीं पर होता है मेन रोड 180 दिन बंद रहेगी 1.5 करोड़ के काम के लिए, दिखाइए अब क्या करने वाले हैं आप जरा, मतलब काम भी पूरा नहीं हुआ, 90 दिन सड़क भी बंद रह गई, अब बताइए इधर क्या करने वाले हैं आप लोग, और ये सर बरसात के बाद ही टिकअप करेंगे, ये तो डीजल क्रिएट हो जा रहा है सर, पानी वानी अभी निकल रहा है पानी, तो उसके अंदर तो सफाई करवा देते कम से कम आप, उतना भी नहीं कर रहे हो कि उसको साफ करा करके, काम सब कर रखा तो जीरो का पड़ा है काम, आप अभी कहाँ से निकलता है, अभी खुला ही, तो आप 5000 क्यों उठाएंगे, मतलब उस तरह से जाएगा उधर भी तो ऊँचा करोगे ना, हाँ मतलब इस लेवल पे ही आएगा, तो बहुत टाइम लगा दिया आप लोगों ने सर इसको, हमें 30 अगस्त तक ठीक है, दोनों तरफ से ट्रैफिक चलाएंगे सर, और बारिश के बाद 15 सितंबर के बाद मोस्ट प्रॉब्ली फिर हम इधर का टेकअप बाद में करेंगे सर, 15 सितंबर के बाद उसमें 90 दिन मत लगाइएगा फिर से आप उसको सर, हम स्ट्रेटजिकली फास्ट हो जाएगा सर, कब तक बोल रहे हैं, 30 अगस्त को फिर उसको सर हम शुरू कर देंगे सर, होना क्या क्या 30 अगस्त का ये बताइए, तो सर रेडी हो जाएगी, एक आपका दीवार बचा है किस तरह तक लाना है, ये दीवार भी एक्चुअली बन चुकी थी ना सर, हाँ जी ये दीवार हमारी पहले 1 मीटर पीछे थी सर, हाँ जी फिर हमने इसको तोड़ करके ये किस लेवल तक लाओगे, ये हमारा करीब 70 है सर, 70 सेंटीमीटर और है, हाँ थोड़ा और इसी लेवल तक आएगा सर, अच्छा जो इस लेवल तक, ये धीरे धीरे फिर नीचे को जा रहा है सर, ये 60 मीटर करीब का रैंप है हमारा, हाँ तो इसमें हमारा नीचे GSP है सर, ऊपर से WMM, और फिर हम DBM BC करेंगे सर, सर आज वॉकवे का यहाँ पे निरीक्षण किया है, कई टाइम से यहाँ पे सड़क बनती, आप यहाँ का निरीक्षण क्या आपको निर्देशित दिए गए अधिकारियों को, देखिए जो ये टेढ़ी पुलिया पे एक पुराना एक तरह से
आप कह सकते हैं कि पुलिया थी यहाँ पे, जिससे पतली थी और पानी का एग्जिट ठीक से नहीं हो पाता था और अक्सर पानी यहाँ पे बहता था। पीडब्ल्यूडी को ये पैसे दिए गए थे काफ़ी पहले प्राधिकरण से। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, 1.7 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा विलंब हो गया है और अभी एक तरफ का भी काम इसमें नहीं खुल पाया है, दूसरी तरफ अभी होना बाकी है। इसको ये बरसात के बाद ही टेकअप करेंगे, लेकिन इसमें पब्लिक को भी असुविधा हो रही है और काफ़ी दिनों से रुका हुआ है, इसलिए मैं इसे देखने आया था कि यहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही हैं। और अब पीडब्ल्यूडी से कहा गया है कि 30 अगस्त तक ये इस तरफ का ट्रैफिक थ्रू करेंगे, ऐसा आपने आश्वासन दिया है, और जो बाद वाला काम है बरसात के बाद टेकअप करेंगे, लेकिन वो मिनिमम डेज में करेंगे। जैसे इसमें अभी 90 दिन हो चुके हैं, तो वैसा बिल्कुल ना हो और समयबद्ध तरीके से पूरा। सही, जो दूसरी रोड है उसको कब तक इसको टेकअप करना, अगर बरसात के बाद है तो ये मान के चलिए कि 15-20 सितंबर के बाद ही टेकअप होगा, और अगर हम तेज़ से तेज़ भी करेंगे तो महीना भर लगेगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि हमारे पास इस तरफ का मामला ऑलमोस्ट तैयार है, खाली रैंप पे थोड़ा सा काम होना है, तो इसको ही तत्काल पूरा करें। ठीक है, थैंक यू सर।